उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और मज़े में होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है वेट लॉस से मतलब, और ये कि मैं आपको बताऊँगी हाउ आई ट्राई टू मेंटेन माय वेट आफ्टर 3 किड्स। और जब आपके 3 C-सेक्शन हो तो ये आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि मैंने अपने सेकेंड बेबी के बाद अपना वेट कैसे कम किया था। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस टाइम पे मैंने अपना वेट 7 to 8 kg लूज़ किया था और मैंने अपना वेट पोर्शन कंट्रोल से किया था, यानी मैं जो खाती थी उसका पोर्शन मैंने काफ़ी हद तक कम कर दिया था। और ये हमारी हदीस भी है कि खाना कभी भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए। और इस आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छे हैं। और ये ओट्स का भी ये बेहतर ऑप्शन है कि अगर आप इसको लो फैट में और कम शुगर के साथ लें। और शुगर की इनटेक को आपको बहुत हद तक कम करना होगा। दूसरा ये कि आप ऑयल भी अपने खानों में जितना कम रखें उतना आपके सेहत के लिए भी अच्छा है। और अगर आपको राइस की भी क्रेविंग होती है तो आप लें, ज़रूर लें, लेकिन वो भी थोड़ी क्वांटिटी में लें। और अगर आप कहीं बाहर खाना खाते हैं तो उसके लिए ग्रिल्ड चिकन का ऑप्शन बेहतर है, और ये फ्राइज़ वगैरह बेहतर है आप बच्चों को खिला दें। दूसरा ये कि आपके लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है 10 मिनट्स का, इसके लिए लेस्ली बेहतरीन है। और लेस्ली से आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं और फुल बॉडी वर्कआउट आप घर कर सकते हैं। दूसरा ये आप देख सकते हैं मेरा वेट फिर से गेन हो गया, लेकिन मैं फिर से मोटिवेट हूँ अपना वेट कम करने के लिए। और इंशाल्लाह जब इंसान की विल पावर स्ट्रॉन्ग हो तो वो ज़रूर वो अचीव कर लेता है। और मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि मैं अब दोबारा से अपना वेट कैसे कम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, और इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।